वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने नवमी के दिन कन्या पूजन किया। सभी बच्चियों को नोटबुक और कलम दिया ताकि उन्हें पढ़ाई में सहयोग मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हम लोग युवा हैं, क्या नहीं कर सकते। अभी हम लोगों का धरातल पर काम दिख रहा है, नियुक्ति भी सरकार कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी तो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना प्रचार करते हैं। नवमी के मौके पर सभी लोगों को शुभकामनाएं। और नवमी के मौके पर हम लोगों ने जो बच्चियां थी कन्या, उनका पैर धोला उला करके अच्छे कपड़े वगैरह सब लोग को देकर नोटबुक हमने देने का काम किया, नोटबुक पढ़ाई करने के लिए, और पेड़ देने का काम किया कि हमें इसके साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा करना है, तो उसका एक संदेश हम लोगों ने यहाँ से देने का काम किया। कल विजयदशमी का पर्व है, लोग गांधी मैदान जाएंगे, रावण वध का कार्यक्रम है, तो क्या कुछ संदेश? संदेश यही होगा कि जो बुराई है उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, और जो खासकर आजकल क्या हो गया है माहौल कि लोगों के मन में बुराई है उसको भी आप खुद विनाश कीजिए। विजयदशमी के दिन दशहरा मनाते हैं लोग, रावण का वध होता है। नवरात्रि का उत्सव लालू परिवार में भी दिख रहा है। लालू परिवार के तमाम सदस्यों ने घर की बिटिया यानी कि तेजस्वी की बेटी कात्यायनी पर प्यार जताते हुए नजर आए। एक तरफ लालू के परिवार में महानवमी पर कन्या पूजा का भी आयोजन किया गया, वहां तेज प्रताप नजर आए और लालू यादव अपनी पोती को दुलार करते हुए नजर आए। अमेरिका से आई लालू की बेटी रोहिणी आचार्य और हेमा यादव भी इस नवरात्र में लालू आवास पर नजर आईं, तो राबड़ी देवी भी अपनी पोती के साथ नजर आईं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दावे पर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने पलटवार किया है। जिस तरह तेजस्वी ने दावा किया था कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी, उस पर जीतनराम मांझी ने बयान दिया है। मांझी ने कहा कि चुनाव से पहले ताश के पत्तों की तरह महागठबंधन बिखर जाएगा। वही मांझी ने दावा करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में एनडीए की ही जीत होगी और एनडीए के अलावा लोगों के पास विकास के लिए कोई और विकल्प ही नहीं है। चले थे चौवे बन करने के लिए, क्या भाई तो भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे अमुक आदमी या सब लोग, हम लोग एक हो करके भाजपा का या एनडीए का हम लोग सामना करेंगे, लेकिन आज स्थिति क्या है, ताश के पत्ते की तरह से सब छितरा गए हैं। तो इस हालत में कैसे वो सोचते हैं, कैसे कहेंगे, तो निश्चित है कि मन बहलाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए तेजस्वी जी ने ऐसा कहा कि आगे आने वाले जो चुनाव हैं 4 राज्यों का 5 राज्यों का वहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। एक गलत झूठी बात है, एकदम जस्ट उल्टी बात यही है कि उन सब राज्यों में एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि नीतीश इनका नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है हर क्षेत्र में। इसलिए भारत की जनता आज सोच करके बात कर ली है, समझ ली है कि 2024 और 2025 में एनडीए के गठबंधन के अलावा कोई विकल्प नहीं। कौन? डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली से तेजस्वी यादव कल जापान जाएंगे। पर्यटन पर आज आयोजित एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव शरीक होंगे। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश के बयान का बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी को लेकर सीएम ने जो बातें कही थी उसका मतलब गलत तरीके से निकाल कर बीजेपी सियासत कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बेहतर तरीके से सरकार चल रही है और बीजेपी के पास अब राजनीति करने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी बीजेपी कर रही है। सब लोग को पता ही है, कल निकलेंगे जापान के लिए, तो वहाँ जो पहले से ही हम लोगों का कार्यक्रम है, बिहार के लोगों को जो है मौका मिला है वहाँ, तो हम लोग जो है पर्यटन को बढ़ाने के लिए वहाँ जितने टूर ऑपरेटर्स हैं, टूरिज्म से रिलेटेड जगह हैं या लोग जो जुड़े हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बिहार जो है
ज्ञान मोक्ष की धरती रही है, बुद्ध की धरती है, तो लोगों का वहाँ काफ़ी जुड़ाव है यहाँ से। तो इसको हम लोग जो है और बेहतर लोगों को फीडबैक भी जानेंगे और क्या वो चाहते हैं उसी हिसाब से जो है काम किया जाए। पांच राज्यों में क्या लगता है? पांच राज्यों में क्या लगता है? इंडिया बन गया है, पांच राज्यों में क्या होगा? वो आप सब लोगों को पता है क्या होना है। लोग घबराए हुए लोग हैं, बीजेपी की हार निश्चित है पांचों राज्यों में। चलिए आप सब लोग। तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने तेजस्वी को सलाहकारों से सलाह लेकर बयान देने की नसीहत दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी पांच राज्यों में चुनाव जीतेगी। पहले आप अपने सलाहकारों के साथ बैठिए, उनसे सलाह कीजिए कि मुझे क्या बोलना है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता आप छोड़ दीजिए, चिंता आप उसकी कीजिए जिसको आपने मूर्त रूप देने की कोशिश की है, घमंडिया गठबंधन की, जहां अखिलेश यादव का सुर अलग है, केजरीवाल का सुर अलग है, कांग्रेस का सुर अलग है, ममता दीदी का सुर अलग है। तो पहले आप उसकी चिंता कीजिए ना। और बिहार में आपकी क्या हाल है? आपको आपके चचा ने समझाया कि आपके 23 मई 2023 में आपको कुर्सी दे देंगे, तो चचा तो आप आज तक लटका कर रखे हुए हैं आपको। अपनी चिंता कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पांचों राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और आप लोग देखते रह जाएंगे। मोतिहारी में नीतीश कुमार के बीजेपी पर दिए बयान पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी कोई चंद्रगुप्त पैदा नहीं करेगी। लालू यादव को नीतीश से भी बड़ा ठग बताया। मुख्यमंत्री जी अपने को बड़े खिलाड़ी और बड़े ठग समझते हैं, और इनसे भी बड़ा महाठग श्रीमान लालू प्रसाद यादव बैठे हैं। जब जब वो प्रेशर बनाते हैं तो बउआ रे बुइया कह कर करके भयभीत करने का प्रयास करते हैं। हमने उस दिन भी कहा था कि हमारे बड़े लीडर केंद्र के कह चुके कि बिहार में अब अपने कंधे पर कोई नकली चंद्रगुप्त नहीं आएगा, अब असली चंद्रगुप्त भाजपा का बैठेगा। और ये व्यक्ति के लिए सभी दरवाजे बंद हैं। जब बड़े लीडर कह चुके हैं तो इनको चांस लेना चाहते हैं कि कहीं मौका मिल जाए। इनके दबाव, लालू जी के दबाव में इस जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं किसी तरह से निकलने का। लेकिन अब उस चौराहे पर खड़ा है जहां तीनों रास्ता बंद है, और लौट करके उसी जिस रास्ते से भागना चाहते हैं उसी रास्ते में जाना होगा। इसी के साथ इनका राजनीतिक अंत होगा और बिहार की जनता ऐसी सबक सिखाएगी कि फिर राजनीति करने के लायक न ये बचेंगे न इनका दल बचेगा।